नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं द जीवी शो। आज की इस वीडियो में हम फ्लिपकार्ट की सेल के बारे में बात करने हैं और आप सभी को पता है फ्लिपकार्ट में शानदार सेल चल रही है, जहां पर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा डिस्काउंट में देखने को मिल रहे हैं। यहां पर मैंने आप लोगों के लिए 5 मोबाइल फोन निकाले हैं जो मुझे लगता है कि अच्छा, जिन पर डिस्काउंट है आप वो खरीद सकते हैं। अच्छा प्रोसेसर है, सब कुछ अच्छा है, डिमांड में रहते हैं फोन और फ्लिपकार्ट बहुत ज्यादा डिस्काउंट में उन्हें दे रहा है। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं, अगर आपके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तो आपको और ज्यादा फायदा मिलने वाला है। और यहाँ पर मैं आपको लिस्ट दिखाने वाला हूँ, सब कुछ करने वाला, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन, जहां पर मैंने आपके लिए 5 मोबाइल सेलेक्ट किए हैं और आपको मैं बताऊंगा कि आप ये मोबाइल खरीद सकते हैं, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो जैसा कि हम देखें, यहाँ पर ये फ्लिपकार्ट का पेज है जहाँ पर मोबाइल की सेल चल रही है। यहाँ पर बहुत सारे मोबाइल लिस्टेड हैं जो आप देख सकते हैं, खरीद सकते हैं, इन्फिनिक्स से लेकर ओप्पो से लेकर वीवो से लेकर आईफोन, सैमसंग, और जो भी मतलब जितने भी मेजर ब्रांड्स हैं, पिक्सल हो गया, जो कुछ भी है सब इसमें अवेलेबल है। शाओमी के फ़ोन्स भी अवेलेबल हैं, अगर आप वो भी चाहें वो भी देख सकते हैं। आईफोन तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया, अगर आप आईफोन फैन है तो वहाँ पर भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है। बट मैं आपको बता दूँ कि आईफोन 8 है वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, छोटा वर्जन, बट SE और आईफोन 6S, आईफोन 7 अभी भी अवेलेबल है। यहाँ पर वीवो के बहुत सारे फ़ोन हैं और यहाँ पर बायबैक का भी ऑफर चल रहा है, आप चाहें तो उसमें भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला फ़ोन मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया है यहाँ पर, वो है ऑनर का 9 Lite, जो कि 3GB 32GB का इंटरनल जिसका स्टोरेज है। यहाँ पर 4GB का वेरिएंट भी अवेलेबल है, अगर आप 4GB वाला लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। जो 3GB वाला है वहाँ पर आप देखेंगे वो आपको 10,000 रुपये में मिल रहा है और उसमें 4,000 रुपये डिस्काउंट चल रहा है। 10,000 रुपये के बाद इन केस अगर आपके पास HDFC का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है तो आपको 10% और ज़्यादा उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 1,000 रुपये और कम हो जाएंगे। यहाँ पर अगर 10 ही हज़ार हो गया, 1 रुपये कम है, तो यहाँ पर अगर 10,000 का फ़ोन है, आप HDFC बैंक का अगर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड भी अपना इस्तेमाल करें तो 1,000 रुपये और कम हो जाएगा, यानी कि आपको ये मोबाइल पड़ेगा सिर्फ 9,000 रुपये में, जिसमें कि आपको बहुत ही अच्छी कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है। 3GB 32GB आपको स्टोरेज मिल ही रहा है, आप किरिन का 659 प्रोसेसर है इसमें, 5.65 इंच का FHD डिस्प्ले है इसमें, और 32GB जैसा कि मैंने बताया इंटरनल स्टोरेज है, 3000mAh की आपको इसमें बैटरी देखने को मिल जाती है और फेस अनलॉक वाला फीचर आपको इस फ़ोन में मिलता है। अच्छा फ़ोन है, अगर आप ये देखना चाहें आप बिल्कुल देख सकते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें इसकी 4GB वेरिएंट की, तो 4GB वेरिएंट आपको 15,000 रुपये में मिल रहा है, जिसकी कीमत हुआ करती थी 17,000 रुपये। 15,000 रुपये में भी आपको यहाँ पर अगेन आपको डिस्काउंट हो जाएगा 1,500 रुपये, क्योंकि HDFC का अगर आप कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो। तो ये जो पहला फ़ोन था मैंने आपके लिए निकाला था। अगर हम दूसरे फ़ोन की तरफ बढ़े तो ये यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा LG Q6 ब्लैक कलर का है, 64GB इसकी इंटरनल स्टोरेज है और 4GB इसमें रैम है। सिर्फ 13,000 रुपये का फ़ोन मिलता है, यानी 12,990 रुपये का, 10 रुपये कम है। वैसे इस फ़ोन की कीमत है कुछ 19,000 या 20,000 रुपये, यहाँ पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। और फिर से आप अपना वो HDFC वाला इसमें कर सकते हैं, और अगर आपके पास मान लीजिए कि एक्सिस का कोई कार्ड है तो उसमें भी 5% डिस्काउंट है, बट मैं आपको प्रेफर करूँगा HDFC। अगर आपके किसी दोस्त के पास HDFC का डेबिट कार्ड है तो उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करके आप उससे भी खरीद सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आप ये HDFC का ऑफ़र तभी अवेल कर सकते हैं जब आप 5,000 रुपये की मिनिमम शॉपिंग करें, बट अगर आप ये फ़ोन खरीदेंगे तो ऑब्वियसली 5,000 से महंगा ही फ़ोन होगा, तो यहाँ पर आपका 5,000 वाला वो काम तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पर ये भी ऑफ़र है जहाँ पर आपको 13,000 रुपये में फ़ोन मिल रहा है, उस पर 10% और ऑफ लगा लो तो करीब 1,200-1,300 रुपये और कम हो जाएंगे, जहाँ पर ये फ़ोन आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी अगर स्पेसिफिकेशंस की हम बात कर ले तो मैंने आपको बता दिया 4GB की इसमें रैम मिल जाएगी आपको, 64GB की आपको इसमें इंटरनल स्टोरेज आराम से देखने को मिल जाएगी, 13 MP का इसका कैमरा है पीछे का और 5 MP का इसका कैमरा है सामने का। और अगर हम इसकी प्रोसेसर की बात करें तो 1.4 GHz का क्वालकॉम का 435 प्रोसेसर इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। 18:9 एस्पेक्ट रेशियो की इसमें स्क्रीन है, 5.5 इंच की इसमें स्क्रीन है, मैं भी आपको बता दूँ यहाँ पर। और अगर हम इसकी बैटरी की बात करें तो 3000mAh की बैटरी है। फ़ोन अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं फ़ोन में, मतलब इस बजट में बहुत शानदार फ़ोन है LG का है, ऐसी बात नहीं कि LG खराब है, LG इज़ ए गुड ब्रांड, आप LG का भी फ़ोन देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये फ़ोन है, अगर आप देखना चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं। और मैं आपको बताऊँ, अब फ़ोन्स की बात हो रही है और रेडमी की बात ना हो तो बुरा लगेगा, पाप लगेगा बहुत बड़ा। तो देखो भाई, नोट 5 है जो यहाँ पर ब्लैक वर्जन है, 64GB और 4GB रैम वाला, वो आपको मिल रहा है 12,000 रुपये में। इस पर भी आप HDFC का अपना वो चला सकते हो, अगर HDFC का इस पर चलाओगे तो करीब मान लो 1,200 रुपये इसमें कम हो जाएंगे,
वहाँ पर भी आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, यहाँ पर सस्ता होने वाला है फ़ोन। अगर आप इंटरेस्टेड हो वो देखने में वो देख सकते हो। अगर आप 3 GB वाला वेरिएंट देखोगे तो आपको 10,000 रुपये में मिल रहा है, उसमें भी 1,000 रुपये और कम हो जाएगा अगर आप HDFC का यूज़ करोगे। तो आपकी डिपेंडेंट पे है कि आप 3 GB वाला लेना चाहते हो या आप 4 GB वाला लेना चाहते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा 3 GB वाले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 GB 32 GB हार्ड डिस्क है यहाँ पर आपको बहुत सस्ते में देखने को मिल जाएगा। ये सेल से फ्लिपकार्ट पे ही अभी चल रही है तो यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। और फ़ोन तो अच्छा ही है, सबको पता है फ़ोन जब लॉन्च हुआ था तो क्या हुआ मचा था इस फ़ोन का। थोड़ी सी स्पेसिफिकेशंस की बात कर ले, 3 GB 32 GB मैं आपको बता चुका हूँ, और वहीं 4 GB 64 GB का वेरिएंट भी आपको मिल जाएगा। 6 इंच की आपको इसमें फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है, 12 MP का पीछे का कैमरा है, 5 MP का सामने का इसमें आपको कैमरा दिखेगा। बट इसमें जो आपको बैटरी मिलेगी वो मिलेगी 4000 mAh की, यहाँ पर बैटरी बहुत अच्छी है। और प्रोसेसर की अगर बात करें तो Qualcomm Snapdragon 625 का प्रोसेसर है, तो फ़ोन शानदार है और सस्ता है। अब यहाँ पर बात हो फोन्स की और एप्पल बॉय या एप्पल फैंस की बात ना हो तो यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा बुरा मान जाते हैं कि यार सारे फ़ोन पता है एंड्रॉयड करता रहता है, एप्पल का है। एप्पल SE आपको 18,000 रुपये मिल रहा है, बट मैं आपको बता दूँ इसमें ज़्यादा कोई भी डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि अगर आप बाहर मार्केट से SE खरीदते हैं वहाँ भी आपको 18,000 रुपये में देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पर यह है कि 1800 रुपये मतलब करीब 2,000 रुपये इसमें कम हो जाएंगे, तो आपको 16,000 में देखने को मिल जाएगा, बशर्ते आपके पास HDFC का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए वीज़ा का। तब अगर आपके पास है तो ये आपको आज की डेट में 16,000 रुपये में देखने को मिल जाएगा, आईफोन SE की बात कर रहा हूँ। और अगर हम आगे बढ़ें और सैमसंग फैंस की बात ना करें तो वहाँ पर भी बुरा लग सकता है। सैमसंग का जो सबसे शानदार फ़ोन था S9 से पहले वो था S8, 50,000 उसकी कीमत हुआ करती थी, आज की डेट में आपको 38,000 रुपीज़ में वो देखने को मिल जाएगा। और 38,000 में मान लीजिए कि अगर आप HDFC का लगा लेते तो 3,800 मतलब अप्रॉक्स 4,000 और रिड्यूस हो जाएंगे, तो सोचिए करीब करीब आपको 34,000 में ये फ़ोन मिल जाएगा। 34,000 में मिलता है और इसमें प्रोसेसर और ये सब तो सब अच्छा है, इसमें आपको सैमसंग पे का भी ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि सैमसंग में सबसे बड़ी चीज़ तो अभी यही चल रही है। और यहाँ 4 GB 64 GB आपको रैम मिल जाएगा, 5.8 इंच की स्क्रीन है, मैं आपको बता दूँ ये वीडियो भी S8 से ही रिकॉर्ड हो रही है। 3000 mAh की बैटरी है, 12 MP का रियर कैमरा है, 8 MP का इसका फ्रंट कैमरा है जिससे अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। और यहाँ पर प्रोसेसर है 2.3 GHz का Xynos का 8895 ऑक्टा कोर, तो ये फ़ोन भी बहुत अच्छा। अगर आप सैमसंग फ़ैन हैं तो मैं आपको बहुत ज़्यादा बोलूँगा कि आप ये फ़ोन ले लीजिए, क्योंकि बहुत सस्ता है ये फ़ोन। 50,000 का जो फ़ोन है आपको आज 34,000 में मिल जाएगा, बशर्ते आपके पास होना चाहिए HDFC का क्रेडिट या डेबिट कार्ड। तो ये वो फ़ोन था जो मैंने आप लोगों के लिए निकाला था कि अगर आप इंटरेस्टेड है सैमसंग में तो ये भी ले सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं सैमसंग के फ़ोन 2-3 साल के बाद थोड़े स्लो होने लग जाते हैं, बट दैट इज़ फाइन। कई लोगों को सैमसंग बहुत ज़्यादा पसंद है, वैसे भी हम 1-1.5 साल से ज़्यादा सैमसंग या कोई भी मोबाइल यूज़ ही नहीं करते हैं। 1-1.5 साल होता है फिर लगता है मोबाइल अब हमें चेंज कर लेना चाहिए। अगला जो आखिरी फ़ोन मैंने आपके ढूंढ के निकाला है वो है गूगल पिक्सल, जो कि आप इंटरेस्टेड अगर खरीदने में तो खरीद सकते हैं, यहाँ पर आपको 43,000 में देखने को मिल जाएगा। और अगर इसमें लगाएंगे HDFC का तो आपको मिलेगा 39,000 रुपीज़। मैं आपको बता दूँ जो मेरे पास गूगल पिक्सल है वो भी मैंने 39,000 में खरीदा था, बट पिछली सेल में करीब 2-3 महीने पहले जो सेल आई थी उसमें खरीदा था। यहाँ पर गूगल पिक्सल आपको 64 GB 4 GB रैम वाला मिल जाएगा, फोटो खींचने में शानदार फ़ोन है। अगर आप प्रीमियम फ़ोन लेना चाहते थे गूगल की तरफ से तो अभी आप ले सकते हैं, अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है। 5 इंच की इसमें स्क्रीन है, 4 GB रैम है, 64 GB हार्ड डिस्क है, 2700 mAh बैटरी। मैं आपको बता दूँ बैटरी कम है, पूरे दिन भी नहीं चल पाती, शाम तक आते आते मेरी बैटरी ख़त्म हो जाती है मेरे फ़ोन की, तो यहाँ पर नॉट दैट ग्रेट बैटरी के मामले में। 12.2 MP का इसमें कैमरा है पीछे की साइड, 8 MP का सामने का कैमरा है इसमें। एंड्रॉयड ओरियो आपको आउट ऑफ द बॉक्स इसमें निकल के मिलता ही है। और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 835 64 बिट का इसमें ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। और गूगल पिक्सल गूगल के जो भी अपडेट आएंगे वो आपको इसमें सब कुछ मिलेंगे। गूगल पी भी जो आया है, गूगल पराठा, वो भी इसमें आएगा, मतलब इसका अपडेट गूगल पराठे का आ चुका है। पराठा नाम नहीं है, आई एम जस्ट किडिंग, आई डोंट नो उसका क्या नाम आने वाला है, बट गूगल पी को मैं कहता हूँ गूगल पराठा। तो गूगल पराठा का भी अपडेट उसमें आ चुका है, अगर आप चाहें तो एक क्लिक में इंस्टॉल करके उसको चेक कर सकते हैं, बीटा वर्जन आ चुका है। तो ये वो 5 फ़ोन थे जो मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए यहाँ पर फ्लिपकार्ट की सेल से। अगर आप फ़ोन खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो आप फटाफट जाके खरीद सकते हैं, 16 तारीख तक ये सेल चलने वाली। मैं आपको बता दूँ मैंने भी कुछ खरीदा है, वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा मैंने क्या खरीदा क्या नहीं। और मुझे नीचे कमेंट में बताइए आपको कौन सा फ़ोन पसंद आया,
आप कौन सा फ़ोन सेल में ख़रीदना चाहते हैं, या आपने सेल में अगर कुछ ख़रीदा तो आपने क्या ख़रीदा है, क्या चीज़ आपको सस्ते में मिल गई। क्योंकि मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि मैंने सेल में क्या ख़रीदा और मेरे को सस्ते में क्या मिला। मैं आपको बता दूं, करीब 3,000 रुपये वो प्रोडक्ट मेरे को सस्ता मिला और एक प्रोडक्ट मैंने ख़रीदा वो करीब मेरे को 1,000 रुपये सस्ता मिला। तो यहाँ पर मैं करूँगा वीडियो समाप्त। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसे देख सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल के मज़े उठा सकें। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट ये भी करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपके दोस्तों को पता चले, वो भी अपने पैसे बचा सकें। और यहाँ पर मैं रखता हूँ, भाई बाय।